बिहार से खबर आ रही है कि जेडीयू विधायक दल की मीटिंग थी, उसके बाद राज्यपाल कृष्णा त्रिपाठी से मिलने के लिए सीएम नीतीश कुमार रवाना हो गए हैं। बिहार में तेजस्वी यादव को लेकर पिछले कई दिनों से गठबंधन में खींचतान चल रही है, जहां कांग्रेस जेडीयू और आरजेडी की मिलीजुली सरकार है, गठबंधन की सरकार है। आज ही लालू यादव ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार को हमने सीएम बनाया है। ब्रजेश मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर आ गए हैं और जानकारी लेकर। ब्रजेश, क्या कोई बड़ा क्रांतिकारी फैसला नीतीश कुमार ने ले लिया है? देखिए, अभी तक तो इसकी खबर नहीं लगी है रोहित, लेकिन नीतीश कुमार अपने चौंकाने वाले फैसले के लिए ही जाने जाते हैं। और जिस तरीके से वो अड़े हुए थे कि तेजस्वी यादव को या तो इस्तीफा देना होगा या फिर आगे की कार्रवाई वो करेंगे, तो पार्टी ने आरजेडी ने पहले ही तय कर लिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। आज विधायक दल की बैठक भी हुई और लालू यादव का बयान भी आया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के पास ऑप्शन ये है कि वो तेजस्वी यादव को बर्खास्त करें या फिर पूरे जो मंत्रिमंडल है उसका वो त्याग पत्र दें और आगे राज्यपाल पे कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा करें। तो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा रोहित, क्योंकि नीतीश कुमार अपने चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अचानक एक दलित जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो निश्चित रूप से और 17 साल का गठबंधन तोड़ के फिर से लालू यादव के साथ जुड़ गए। तो अब देखना होगा कि उनके पास क्या वो फैसला लेते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन नीतीश कुमार के पास रोहित काफी कम है। या तो वो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा सौंप सकते हैं और आगे राज्यपाल को कहेंगे कि वो आगे की कार्रवाई करें और नया या तो चुनाव कराने की बात हो सकती है या फिर आगे सरकार बनाने की बात होगी तो उसमें एनडीए सामने आएगा, उसके बाद वो करेंगे। तो फिलहाल अब काफी राजनीतिक हलचल बढ़ गई है बिहार में रोहित। अगर वो ऐसा कोई कड़ा फैसला ले लेते हैं तो गठबंधन टूटेगा या जेडीयू टूटेगी? देखिए, काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर वो तेजस्वी यादव को बर्खास्त करते हैं रोहित, तो पार्टी ने पहले ही तय कर लिया है कि सिर्फ तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि सारे जितने भी मंत्री हैं आरजेडी के, लगभग 11 मंत्री हैं, सारे इस्तीफा देंगे। और यहां तक बात हो रही है कि आरजेडी बाहर से समर्थन देगा, तो काफी गठबंधन में इसके तरीके से टूट होगी, क्योंकि नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि आरजेडी बाहर से समर्थन दे, क्योंकि बाहर से समर्थन लेने का मतलब यह है कि कभी भी सरकार गिर सकती है। ऐसे में ऐसी स्थिति में पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंप सकते हैं नीतीश कुमार और आगे कार्रवाई ये हो सकती है कि जैसे बीजेपी से बात उनकी लगातार चल रही है और जो सोर्सेज है उनका कहना ये है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे लगातार टच में है, बातचीत हो रही है और जब कोई फैसला लेते हैं, और बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो नीतीश कुमार को समर्थन देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार का ही मुद्दा है और उस पर बात आगे बढ़ सकती है रोहित। शुक्रिया ब्रजेश, फिलहाल नजर रखिए, आप वापस आएंगे, आपके पास क्या कहते हैं नीतीश कुमार जाके राजभवन में राज्यपाल के पास, ये देखने वाली बात होगी तेजस्वी यादव को बर्खास्त किया जाता है या फिर इससे बड़ा कोई और क्रांतिकारी फैसला नीतीश कुमार ले लेंगे, इस पर नजर रहेगी, अपडेट करते रहेंगे।